नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है तीन गुरु। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा देने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी आपके गुरु कौन है? आपके किसी गुरु के शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु है, यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने तीन गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंग लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसने पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गई, इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और मगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप मेरे साथ रह सकते हो। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह एक महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उसके पिता की कुछ मिला तुम्हें, तो यह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करने वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करने हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ देने की ठान लेता था। और जब अचानक मुझे उस चोर की याद आती तो रोज कहता था कि भगवान के चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरफ मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी के तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उसे कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो उसकी अपनी ही परवाह थी। कुत्ता उसे देख बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी में पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कुत्ते ही वहां परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखे मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई।
अपने डर से बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव में गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलता दिया ले जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में दिया रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उसे पूछा कि क्या यह कि तुम्हें जलाया है। वह बोला जी मैंने ही जलाया है। तो मैंने उसे कहा कि एक क्षण था जब यह दीवा बुझा हुआ था और फिर एक क्षण आया जब यह दीवा जल गया। क्या तुम मुझे यह स्रोत दिखा सकते हो जहां से यह ज्योति आई। वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती के फूंक मारकर बुझाते हुए बोला अब अपने ज्योति को जाते हुए देखा कहां गए। वह अपने ही मुझे बताई। बस मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपने ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोड़े ज्ञान के साथ गोली। मैं अपने इन गुरुओं की सीख सदा याद रखता हूँ। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना और समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात में कंठे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कई बातों से अपनी ही हुई गलतियों को समझ और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों का सीखते रहना चाहिए। यह जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।